सर वो सर इतने सारे मतलब पैकेजेस हैं तो सर रिएक्ट में सर ऑलरेडी मतलब इंस्टॉल्ड मिलते हैं, मतलब क्या मतलब करना पड़ता है अलग से सब जैसे सर स्टॉल किसी मिलते कंपनी में हैं। वर्क करेंगे? अच्छा ओके सर। एक्सपीएस में काम करोगे तो पैकेज स्टॉल करने पड़ेंगे। कौन से बहुत ज्यादा पैकेज हैं क्या? सिलेबस नहीं कैसे सर याद मैं करते फिर होगे? भी ये सर वो कुछ मैं पैकेज नरम जनरल से हूँ। जी तक कुछ नहीं है पैकेज, ये तो कुछ भी नहीं है। यस सर। अभी अभी जब बनाओगे ना, अभी 2-3 बार प्रोजेक्ट बनाओगे तो सब रट जाते हैं अपने आप। अब प्रैक्टिस करा करो, सर प्रैक्टिस वाले फोल्डर जनरली में अपने आप रट जाएंगे। सर एक्सपीएस में एक्चुअली जब मैं भी काम जनरली करोगे तो पूछ रहा बनाने था वो। पड़ेंगे, बनाने ही पड़ेंगे। रिएक्ट में वो सब बने ओके बनाए सर। मिलेंगे, वो कुछ बनाने पड़ते हैं। पैकेज इंस्टॉल होते ही हैं, फ्रेमवर्क का काम ही यही है पैकेज इंस्टॉल करना। पैकेज इंस्टॉल नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा, सोचो। हाँ तो चलो आप जल्दी वो कर दें, लॉगिन वाला कर लें। लॉगिन के फॉर्म भर के सबमिट करो, फॉर्म में एक्सेल में जाओ, एक्सेल में इसके हाँ लॉगिन का एक्शन कहाँ है? उसका एक्शन कहाँ गया? एक्शन डाल दो। अब एक्शन लिखो, वेरीफाई लॉगिन। फॉर्म के एक्शन में लिख लो वेरीफाई लॉगिन। सब लोग जो लॉगिन का जो फॉर्म एक्शन होगा ना, उसमें लिख लो वेरीफाई लॉगिन और मेथड पोस्ट स्लैश लगा लेना। वेरीफाई नहीं, वेरीफाई लॉगिन साथ में लिखो, अलग मत लिखो। चलो अब रिक्वायर कर लो यहाँ पे, वो रिक्वायर नहीं, राउट में जाकर बना लो। सब ने एक्शन दे दिया वेरीफाई लॉग इन। चलो अब यहाँ पे लिखो, पोस्ट कर लो, वेरीफाई लॉग इन नाम का मेथड बनेगा जी। राउट मारो, राउट हली से। जाओ 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 मिलाने जाओ। चलो राउट बन गया सबका। अब मेथड ना, मेथड मेथड ना लो, मेथड सब लोग मेथड ना ले लीजिए। पहले कंसोल में चेक करो कि नेम और पासवर्ड क्या आ रहे कि नहीं आ रहे। फॉर्म भर के चेक करो,
सर आ रहा है सबसे नीचे। हाँ सर ठीक है। चलो ठीक है बस पे आ जाओ। इतना हो गया तो अब उसमें चलते हैं कोड के अंदर। पहला काम क्या होगा? ईमेल चेक करना। पहले हम ईमेल चेक करेंगे फिर पासवर्ड चेक करेंगे, है ना? सर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कर लूं जैसे वो ऊपर रजिस्ट्रेशन में किया था। हाँ हाँ चलो ट्राई कैश लगा लो, ट्राई कैश लगा कर लो, के बाद में लगा लेना कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। चलो कर लिया, अब आ जाओ देखो एक इफ कंडीशन लगाओ। इसमें देखो ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड एंड लगा दो, दोनों को ही भरेगा तो मैसेज आएगा ना। एल्स में मैसेज डाल दो, एल्स में मैसेज शो करा दो, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। हेलो, अरे पूरे उठा लो ना, आर ई एस फ्लैक्स दोनों उठा लो, रिजल्ट उठा लो, बस वापस से लॉगिन पे आ जाएगा वो। ठीक है चलो, अब इसके बाद उसके अंदर एक इफ कंडीशन और लगाओ। अब इफ नहीं लगेगा, अभी लगेगा नहीं। हाँ अब उसके अंदर आ जाओ, अब नहीं इफ नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अब नहीं। पहले ईमेल चेक करेंगे, है ना? उसका ईमेल चेक करेंगे डेटाबेस में अभी कि नहीं है, और डेटा उठा के लेके आएंगे और फिर उसके पासवर्ड चेक करेंगे। तो लिखो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट यूजर इक्वल अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन फंक्शन का साइन, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, अब उसमें आपको ईमेल कोलन ईमेल। ठीक है अब नीचे आ जाओ, अब इफ कंडीशन लगाओ, अगर ईमेल मैच हो जाएगा तो यूजर में डेटा क्या आ जाएगा उसका, तो यहाँ पे लिखो यूजर नॉट इक्वल नन एनी डबल है, नल कर लो नल। अब एल्स में आ जाओ, एल्स में लगा दो यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर, ध्यान else में से शो करा दो यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर। अब लॉग इन मांगे, चलो वो गलत ईमेल डाल रहा है ना, तो अपन पहले कह देंगे ये तुम रजिस्टर्ड यूजर है नहीं, पे रजिस्टर करो। ठीक है यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर। अब इफ के अंदर आ जाओ, अब इसमें लिखो हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे आके अब पासवर्ड चेक कराना होगा, है ना? देखो यहाँ पे चलो कॉन्स्टेंट इज मैच्ड अवेट, सिंपल सा कोड है बिल्कुल, अवेट बी क्रिप्टेड डॉट कंपेयर, या कंपेयर आ गया। अब क्या होगा, कंपेयर फंक्शन साइन लगाओ, उसमें लिखो पासवर्ड कॉमा
कॉमा यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर डॉट पासवर्ड। अब सब सुनो, जो पहला पासवर्ड है वो कहां से आ रहा है, जो यूजर ने भरा है वो ऊपर से इफ में से आ रहा है। सब लोग सुन लो अच्छे से, यूजर जो लिखा है ना कंपेयर पहला पासवर्ड, वो पासवर्ड कौन सा है जो यूजर भरता है लॉगिन के टाइम पे, जो ऊपर आ रहा है इफ के अंदर, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या लिखा, यूजर डॉट पासवर्ड, इसमें कौन सा पासवर्ड आ रहा होगा जो ईमेल चेक होने के बाद आया होगा, जो अपने ईमेल चेक कराया ना पहले, ईमेल चेक करने के बाद उसका पासवर्ड क्या आ रहा होगा, डिटेल क्या आएगी उसकी पूरी, उसमें से चेक करा रहे हैं कि दोनों सेम ही है पासवर्ड। हमने पहले क्या चेक कराया, जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन किया लॉगिन किया, हमने उसका पहले ईमेल लाके देखा कि ये इसका ईमेल है भी कि नहीं इसके अंदर, अगर नहीं है तो क्यों मेहनत करे फालतू में, उससे बोलो भाई कि जाओ दूसरा ईमेल चालू करो, रजिस्टर करो। अब ईमेल मांग कर चलो मैच हो गया, ठीक है ईमेल, तो फिर हमने क्या किया उसकी ईमेल से उस बंदे का डेटा उठा लिया और कहां स्टोर कर लिया अपन ने, यूजर के अंदर। जो यूजर है ना उसमें क्या और क्या आ गया होगा, उस बंदे का डेटा, दिखा दो उनको कंफ्यूज होंगे, कंसोल कर लेना, कंसोल लाइन नंबर 55 के नीचे कंसोल कर दो, 55 के नीचे, 55 के नीचे पहले कंसोल, हाँ पहले इसके नीचे कंसोल के दिखा दो कि क्या आउट क्या आ रहा है, पहले भाई सोचेंगे सर कौन सा पासवर्ड क्या हो, बस जाकर करा देना लॉगिन एक बार, ईमेल से डालना। डालो ईमेल सही से, दिखा दो कंसोल में आके, देखो डेट आ गया, देखो सब लोग देखो क्या आ गया उसकी ईमेल से, तो पासवर्ड देखो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो पासवर्ड आ रहा है ना किस में आ रहा है, बी क्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जो यूजर ने डाला होगा वो सिंपल आ रहा होगा, जो यूजर डाला होगा वो सिंपल आ रहा होगा उस पासवर्ड में, वो कर देना उस पर भी कंसोल कर देना, लाइन नंबर 53 पे भी, 53 पे भी कंसोल कर दो ना, 53 पे भी उसमें सिंपल कर दो पासवर्ड, जिसे दिख जाए दोनों ही चालू कर दो, कंसोल बुक बंद कर दिया, नीचे भी चालू कर लो कंसोल, फाड़ो दिख जाए ना कि जी पासवर्ड ऐसा है, जी पासवर्ड ऐसा है। अब इसको कंपेयर कराना पड़ेगा ना आपस में कि सेम ही है कि अलग है, हाँ बस दोबारा करो चालू करो जाके, इसलिए हम इस मैच का यूज कर रहे हैं। हाँ देखो ये पासवर्ड देखो, ये 123 देखो दिख रहा है, जो यूजर डाला था वो है 123, और जो हमने उसकी ईमेल से मैच करा के लेके आए अपन वो पासवर्ड ये है। अब हमें क्या करना होगा, ये पासवर्ड और जो यूजर डाला है वो पासवर्ड, ये दोनों मैच कराने होंगे, कंपेयर कराने होंगे, आई बात समझ में, क्योंकि देखो पासवर्ड दोनों अलग अलग है ना, ये बी क्रिप्टेड फॉर्मेट में वो सिंपल है, तो पहले ये अब ये कंपेयर कराएंगे। तो इसलिए हमने पहले क्या चेक किया, पहले हमने ये चेक किया कि जो बंदा अपना ईमेल डाला है वो रजिस्टर्ड यूजर है भी कि नहीं है, नहीं हो तो उससे कहेंगे पहले रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड यूजर था फिर अपने क्या चेक किया ईमेल के बाद, उसका ईमेल चेक हो गया उसमें से हमें पासवर्ड मिल गया, अब वो पासवर्ड और जो यूजर डाला है वो पासवर्ड, अब दोनों हम कंपेयर करा लेंगे। तो वही हमने काम किया है, नीचे आओ देखो वही इस मैच वाले लिखा ना, देखो कंपेयर जो कंपेयर लिखा है, कंपेयर पासवर्ड कॉमा यूजर डॉट पासवर्ड, अब समझ में आ गया होगा ना ये कहानी वाली कोड वाला, इज मैच्ड वाला समझ में आया कोड कि नहीं आया? यस सर, यहाँ ना तो बोलो, यस सर आ गया होगा ना इज मैच्ड वाला समझ में कोड। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं, मैं लिखो इफ, इफ हाँ इसके अंदर लगाओ एक और फंक्शन का साइन, ये को लगाओ फंक्शन का साइन, अब उसमें लिखो यूजर डॉट ईमेल, अब दोनों चीज साथ में चेक कराएंगे, यूजर डॉट ईमेल इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल ईमेल, अब भारत जाओ उसके, अब यहाँ पे लिखो एंड, एंड इज मैच्ड, सिंपल इज मैच्ड, सिंपल इज मैच्ड, सिंपल इज मैच्ड, बस मैच्ड, या ईमेल चेक हो जाएगा या पासवर्ड चेक हो गया है ना। अब लिखो इसके अंदर आर ई एस डॉट रीडायरेक्ट,
res.redirect admin slash dashboard, सिंगल कोड में स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ये तुम्हारा एडमिन डैशबोर्ड ही होगा ना, किस नाम से था डाल दो, एल्स में आ जाओ, एल्स में लिख दो ईमेल और पासवर्ड इज नॉट वैलिड, जी एल्स में डाल दो ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट वैलिड, जी बन गया आपका लॉगिन का कोड पूरा, सिंपल सा कोड था, सेव कर लो, चेक कर लो सर, इसको एरर को उधर दिखा दें, शो कर दें एक बार, वो शो हो तो अच्छा, मैं पे लगा दूँ, एरर लगा दो, हाँ सक्सेस मैसेज होगा ना उधर, हाँ पहले फ्रंट एंड में जाओ, फ्रंट एंड में सक्सेस का अलग चलने दो, एक और भेजा, एक और भेजो ना उसमें लॉगिन में, एक और भेज दो उसमें एरर, हाँ कूलर आ रही है बस, में कर दो एक और सक्सेस का वाला, वो क्या जला चला जाएगा, उसको भी शो करा दें, कहाँ में लॉगिन, इस समय लिंक्डइन पे पीएम फोर से इतना सर्च हो रहा है बहुत ज्यादा, हाँ सर अभी मैंने मुश्किल से पता एक महीने पहले चालू किया ये सब सोशल नेटवर्क पे, पहले मैं इतना कभी एक्टिव नहीं था इन पे, अभी चालू किया है, देखो 724 सात दिन के अंदर पेज व्यूज 509, आधे से ज्यादा लोग तो हमारे ऑफिस के ही सर्च कर रहे हैं अच्छा ये भी लिंक्डइन में सर्च कर रहे हैं, अरे बिल्कुल सर, सब जगह पे ढूंढ रहे हैं वो, कि कंपनी फर्जी तो नहीं है क्यों, कंपनी फर्जी नहीं है सबको बता दें, तो क्या ढूंढ रहे हैं वो, आपसे मिलने का मौका देख रहे हो हाँ जो सही बात है, फर्जी वाला कुछ है नहीं अपने यहाँ, हाँ फर्जी वाला कुछ इसमें है नहीं, सब को साफ साफ दिख रहा है, फेसबुक पर देख लो, इंस्टाग्राम पर देख लो, तो फेमस है यार, कितने सारे बच्चे अटैच हैं उससे मैंने भी काफी लोगों को वीडियो फॉरवर्ड किया, हो सकता है उनमें से भी कुछ मेरे सॉफ्टवेयर वाले मित्र हैं उनने भी देखा हो, अच्छा एरर क्या आ गई, एरर इज नॉट डिफाइंड, तुमने कहां वहां पे डिफाइन किया है, लॉगिन पे स्लैश लॉगिन नहीं, पहले मेथड में, मेथड में फ्रंट कंट्रोलर पे, फ्रंट कंट्रोलर पे ये है ना, तुमने यहां, अरे मैंने इस तरह नहीं किया, आ रही क्यों करना पड़ेगा, वही मैंने कही, हां क्या है, अब आदमी ऑफिस ऑफिस देखना, ऑफिस ऑफिस देखता, अब आदमी देखता है सोशल मीडियाओं पर कि जी वहाँ है कि नहीं आदमी जानते हो, वेबसाइट से ज़्यादा आदमी इन चीज़ों को देखना पसंद करता है, एक्टिविटियाँ सोशल मीडिया पर, हाँ वही मेन है आज के समय में बिजनेस को ग्रो करने में, आ गए आ गया, खुल गया, अब इनको भी दिखा दो, हाँ सर आप लोग भी देख लें, इतना काम आप लोग भी कर लें, इतना कर लो, फिर नीचे कर दूँ मैं, कर लो था काम जैसा, इतना वजह बता देना,
बाकी मेरी देख ली थी इंटरव्यू वाली। हाँ कैसे लगी थी? लॉग आउट नाम का जो बटन होगा उस पर लगा दो स्लैश लॉग आउट, स्लैश लॉग आउट। जी हाँ सब लोग लॉग आउट बटन उस पर लगा देना। फिर राउट में जाओ, राउट में, राउट में एक बना लो सब लोग राउट लॉग आउट नाम का। हाँ लगा ली लॉग आउट, राउट उन गया सबका, राउट डॉट गेट। यस सर। चलो साक्षी गर्ग, कौन से साक्षी हो, जवाज यूनिवर्सिटी वाली? यस सर। ठीक है चलो लॉग आउट नाम का ना लो सब लोग मेथड एक, और यहां पे कर देना रिडायरेक्ट, res डॉट रिडायरेक्ट कर दो। ट्राई कैच लगा के, ट्राई कैच लगा के सिंपल res डॉट रिडायरेक्ट, सिंपल से लॉग आउट। हो गया सर, हो गया लॉग आउट कर दो। बाकी लोगों का इनको दिखा दो। हो गया सबका लॉग आउट। कलिया एक मिनट करो करो, हो गया। चलो अब देखो, अब इसमें अच्छी देखो, आपने लॉग आउट तो कर लिया, वेबसाइट चलना, वेबसाइट पे, वेबसाइट पे आओ लॉग आउट करो, देखो लॉग आउट हो गया। अब फिर भी देखो, लिखो स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, लिखो ना तब भी खुल जाएगा डायरेक्ट वो, देखो
तो फिर फायदा क्या लॉग इन करने का हमारा? सब देखो ओपन हो गया, सोचो फिर फायदा क्या हुआ लॉग इन करने का, जो डायरेक्ट भी ओपन हो गया फिर लॉग इन करने का फायदा क्या मिला हमें? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। है ना, अब हमें क्या लगानी होगी इसके अंदर? अब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टोकन जनरेट कराना होगा हमें लॉग इन के टाइम पे। क्या करना होगा हमें? लॉग इन के टाइम पे हमें टोकन जनरेट कराना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. उस टोकन को हम क्या करेंगे, कुकीज में स्टोर कर देंगे ब्राउजर में। आपने हमेशा देखा होगा कि आपके फेसबुक, आपने एक बार फेसबुक लॉग इन कर लिया तो लॉग इन रहता है उसी पेज पर, है ना, समझ आ रहा है? Yes, sir, हम क्या करेंगे, उस टोकन की मदद से उस बंदे का डेटा गेट करेंगे, और फिर अगर कोई डायरेक्ट खोलेगा तो टोकन चेक होगा है कि नहीं है, है ना? तो ये सारे काम किससे होने वाले हैं हमारे? अब टोकन से। तो अब हमें क्या करना होगा, टोकन क्रिएट करना होगा, और टोकन क्रिएट किससे होता है? यूजर की आईडी से। जो बंदा लॉग इन करेगा ना, हम उसकी आईडी से क्या करेंगे, एक टोकन क्रिएट कर लेंगे, है ना, और उस टोकन को कुकीज में स्टोर करेंगे, और फिर उस टोकन को गेट करेंगे। क्लियर समझ आ रहा है? और फिर सारे पेजों को सिक्योर करेंगे। अभी लॉग इन करने के बाद नाम उठ के नहीं आ रहा ना, नाम भी उठ के सोने लगेगा, फिर हम सारे पेज को सिक्योर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब पॉइंट ये आता है कि टोकन जनरेट कैसे होगा। तो टोकन जनरेट होता है लॉग इन के टाइम पर, ठीक है? तो आओ, तो उस हम करते हैं टोकन जनरेट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलो टोकन जनरेट कैसे करते हैं अब वो चीज हमें सीखनी होगी। चलो उनको अभी सिखाऊं कि अगले एग्जाम सिखाऊं? सर सिखा दो, अभी सिखा दो। टोकन को जनरेट करना हम सीखते हैं, बी क्रिप्ट कर रखा है बनाया ना सब कुछ। चलो सबसे पहले हम चलते हैं, एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा हमें उसके लिए, JWT सबसे फेमस है टोकन के लिए, JWT टोकन, JWT वेब टोकन, NPM NPM लिख दो, JWT सिंपल तुम लिख दो, JWT NPM NPM लिख दो अकेला, NPM JWT NPM अपने आप आ जाएगा। हाँ, इस पर क्लिक कर लो और इंस्टॉल कर लो। NPM आई जेसन वेब टोकन, यहाँ पे बोला जाता है जेसन वेब टोकन, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, टोकन को जनरेट करेंगे और इसको ब्राउजर में स्टोर करेंगे, फिर इसको गेट करेंगे। चलो सब लोग कर लें इतना काम जल्दी से। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। अब ऊपर रिक्वायर कर लो, ऊपर ऊपर रिक्वायर कर लो, रिक्वायर कंट्रोल में नहीं, ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही, हाँ यही ऊपर ही कर लो, कॉन्स्टेंट JWT और उसके अंदर जेसन वेब टोकन, जेसन पूरा नहीं, JSON JSON ये हटा दो, जेसन वेब WEV और टोकन स्मॉल में आएगा, यहाँ कभी कैपिटल कुछ नहीं आता, वेब टोकन है, वेब्स नहीं है। अरे वेब टोकन मैं चैट में दे देता हूँ, सच तो वहीं से वेबसाइट जाकर, वेबसाइट मिल जाएगा, देखो सब कुछ। चलो वेबसाइट नीचे आओ,
और नीचे आओ, जी देखो नहीं दिख रहा है, बस 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 हाँ। अब देखो उसी, अब उसी वेबसाइट पे आ जाओ, मेरे में तो ये लगा नहीं दिख रहा है। चलो अब देखो जी नीचे कोड दिख रहा है आपको, ये कोड इसका, ये कोड टोकन JWT साइन फोर वार दिख रहा है, ये इसी के नीचे वाला कोड। हाँ ये ये कोड कौन सा है, टोकन को जनरेट करने वाला कोड है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे कोड, इसी कोड की मदद से हम क्या करेंगे, टोकन को जनरेट करेंगे। हाँ एक लाइन का कोड है टोकन का। चलो आ जाओ, लॉगिन वाले में लगाएं, लॉगिन में लगाओ, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई थी, नीचे आओ कहाँ, यहीं पे लगाओ उसके नीचे, यहाँ पे हाँ इसी यहीं लगेगा, यहाँ लिखो पहले जनरेट टोकन, कमेंट में लिख लो जनरेट टोकन, जनरेट JWT टोकन, अरे 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 कमेंट में बोला है मैंने लिखने को पहले, जस्ट को कमेंट करूं बाद में, हाँ उसको पहले, अरे पहले यहाँ पे कमेंट में लिख लो JWT टोकन, अरे महाराज कमेंट में लिखना है, ओके कमेंट लिख दो, याद तो रहेगा कहाँ से कोड स्टार्ट हुआ टोकन का, जनरेट JWT टोकन, सबको याद रहेगा ना ये कोड क्यों लगाया इसमें, आगे चल के भूलवा जाते हैं अपन तो, ठीक है। अभी रुको इसको कांस्टेंट कर ले, हाँ तो कांस्टेंट कर लो, अब देखो इसी के अंदर हमारा कोड जनरेट होगा जिस से ना, यहाँ पे लिखा है JWT.sign और लिखा है करली ब्रैकेट फो, फिर लिखा है वार, ठीक है। अब जहाँ लिखा है ना फो, इसको डायरेक्ट लिखो यूजर आई डी, जो यूजर होगा ना उसकी आई डी ले लेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते अपन, ठीक है। जो लिखा है ना यूजर आईडी, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना यूजर आईडी, यहाँ पे आप कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोलन जेटाओ सिंगल कोड रहा, तो जेटाओ सिंगल कोड ने लगा हुआ जी, हाँ जेटा दो बार हटा दो बार। अब यहाँ पे लिखो क्या नाम था तुम्हारा, user._ID, ठीक है। और यहाँ से जो आईडी आएगी उसमें जाके स्टोर हो जाएगी यूजर आईडी में, समझा रहा कि मैंने क्या, टोकन कैसे जनरेट होगा, यूजर की आईडी से और एक सीक्रेट की से, जो आपको दिख रहा है ना जी सिंगल कोड में SHHH, ये एक सीक्रेट की है, अभी अपन यही लिख रहे हैं, आगे जाके एक .env फाइल अपन बनाएंगे ना, तो वहां पर जाके सब सिक्योरिटी दे देंगे अपन उसकी और, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो, उसमें कुछ और लिख दो उसके अंदर, अरे कुछ भी लिख दो, अंकुर नाम डाल दो, अंकुर SNS कॉलेज, कुछ जो तुम्हारा मन करे लिख दो, थोड़ा बड़ा लिख दो, सीक्रेट की थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, सीक्रेट की बड़ी होती है थोड़ी, अरे 1 2 3 लिख लो, ABCD लिख दो और बढ़ा दो थोड़ा, सीक्रेट की है यूजर की आईडी और सीक्रेट की दोनों मिला के टोकन जनरेट होगा, ठीक है समझ आ गया। अब नीचे आओ, अल्फाबेट नंबर ले सकते हैं ना, कुछ भी लो ना, कोई दिक्कत हो ना तो। अब नीचे आओ, कंसोल डॉट लॉग करो, नीचे आके कंसोल डॉट लॉग में लिखो टोकन, अब तुम्हारे टोकन जनरेट हो जाएगा, देखो एक टोकन कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, सिंपल सा है, देखो टोकन जनरेट, अब जाके चेक करो, लॉगिन करोगे तो तुम्हें टोकन दिख जाएगा कंसोल में, आ गया। सब देखो कितना बजे का टोकन आया, दिख रहा है सबको यहाँ पे, सब पहले देख लो जब सबको, जब आपको दिख रहा है टोकन, एक तो वो आईडी आ गई जी, पूरा मिला के एक टोकन बन जाता है पूरा जी, आईडी नहीं, ये सब मिक्स हो के आ रहा है, ठीक है जी, पूरा आईडी होगी इतनी इतनी, नहीं आईडी नहीं है वो मिक्स हो गया, आईडी तो अलग ही आती है जी, पूरा मिक्स कर लो जी पूरा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो जितना बड़ा दिख रहा है ये आईडी है आपकी, ठीक है। आओ चलो वेबसाइट पे आओ, गूगल पे लिखो जेसन, सिंपल लिखो जेसन, लिख के एंटर दे दो, सॉरी जेसन है JWT लिख के एंटर दो, JWT बस लिख के एंटर मार दो, एंटर दे दो जी, पहली वेबसाइट खोल दो। अब नीचे आओ, यहाँ चेक कराता हूँ ना तुम्हें, देखो कि टोकन कैसे जनरेट बनता है, और यहाँ पर अपना टोकन पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिखा जी डाके अपन, यहाँ जी डा दो और अपना टोकन पेस्ट कर दो, कर दिया हाँ सर। अब देखो तुम्हें दिख रही आईडी, नीचे दिख रही आईडी, यूजर आईडी जी, जाके चेक करो अपने में,
कि तुमने इसी बंदे से लॉगिन किया था ये? हाँ, अरे वहां पर जाके चेक कर लो MongoDB में। हाँ सर वही है, है? हाँ सर समझ आया। टोकन कैसे जनरेट और बनता है? जो यूजर की आईडी होती है उससे। ये तो आईडी है, इसी से तो किया था आपने लॉगिन। हाँ सर यही है, यही है, इसी से बना आपका टोकन जो आप दिखा रहा है। अब इनको दिखा दो, इतना फ्रेज लोग कर लें। करें एक लाइन का कोड है अकेला, बस उसको कर्सर कर देना, कर्सर दिखा दे जैसे ना। आप लोग चेक करें कंसोल में लिख के कि आपका आ रहा कि नहीं आ रहा है। जो हमने लिखा है ना ये यूजर आईडी, यहाँ के यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? और जो लिखा है ना अंकुश श्रीवास्तव, ये सीक्रेट की है। अभी आप अभी ये तो हमने यहाँ डाल दिया ये सीक्रेट की, आगे चल के इसको एक हम बनाएंगे फाइल .env, उसमें जाकर रखेंगे और फिर यहाँ पे इसको कॉल करेंगे आगे चल के। सर ये जब भी हम लॉगिन कराएंगे तो सीक्रेट की चेंज होगी कि वही रहेगी? हर बार चेंज होगी, वो क्यों रहेगी भाई? वही हर बार चेंज होती है, रैंडमली उठ के आती है। हाँ हर बार चेंज होके आएगी। अभी दिखा दूंगा, अभी देखो। सर ये टोकन जो है हर बार लॉगिन के लिए अलग टोकन लगेगा? वही तो मैंने पूछा, जब जब लॉगिन होगा तब तक टोकन जनरेट होगा। तो सर वो ऑटो जनरेट होगा कि ऐसे ही बनेगा? अरे तो भाई ऑटो जनरेट तो हो रहा है, ये कोड क्या लिखा है लाइन नंबर 63 पे बनना है। तो वही तो JWT है। हां जी क्या लिखा है? JWT जेसन, जेसन वेब टोकन। और टोकन किससे जनरेट होगा? जो बंदा लॉगिन करेगा उसकी यूजर आईडी से और सीक्रेट की से। लाइन नंबर 63 देखो ना जो लिखा हुआ है। आप सर सीक्रेट की हमेशा फिक्स रहेगी क्या, ये पूछ रहा हूं? हां वो तो फिक्स रहेगी। अच्छा कर लिया, ये कंसोल में चेक हो गया। अंकुर भाई स्क्रॉल ऊपर करना जरा स्क्रीन। और नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। ठीक है